तूने मार डाला उसे? नहीं, मैंने नियति को नहीं मारा, वो खुद खाई में गिर गई। मगर उसको खाई तक लेकर कौन गया? बता तो दिया, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ उसे डरा रहा था ताकि वो डर जाए, लेकिन वो इतना घबरा गई कि मुझे मजा आ रहा। मजा आ रहा? तुम्हारे मजे के चक्कर में नियति खाई में गिर कर मर गई है। पूरी मेहनत मेरी बर्बाद कर दी, पूरा प्लान। तुम जानते हो ना क्या करना चाहती थी मैं? पता है मुझे, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, वरना नियति के साथ तुम ये डरने डराने का खेल नहीं खेलते। इस जेल से बाहर आने के लिए पूरी खन्ना फैमिली को मैं तंत्र से बांधना था, और नियति को मोहरा बनाया था मैंने, और तुमने नियति को ही खत्म कर दिया। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, ठीक है, मेरे में दिमाग नहीं है ना, तुम्हारे पास तो दिमाग है, तो अपने शैतानी दिमाग से कोई और प्लान सोच लो। ऐसे कह देने से प्लान्स नहीं बनते अक्षत, अब कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, और तब तक तुम थोड़ा संभल के रहना। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नियति की मौत तुम्हारे कारण हुई थी, और तुम अपना काम करते रहना, किसी को भी चैन से जीने मत देना, समझ गए ना? मैं तो यही कह दूंगा सबसे कि नियति कहीं मिली ही नहीं, इन लोगों को ही ढूंढने दो उसकी लाश। कहां थे तुम अक्षत? मामा जी, वो मैं नियति के पीछे गया था, मुझे लगा वो जंगल गई है, बस उसे जंगल ही ढूंढने गया था, लेकिन नियति का कुछ पता नहीं चला, पता नहीं नियति कहां चली गई मामा जी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। नियति मेरा बच्चा। ये तो पापा की आवाज है। पापा रो क्यों? मामा जी सब ठीक है? खुद ही अंदर जाकर देख लो। नियति। ओह नो, इतनी जल्दी इन लोगों को नियति की डेड बॉडी भी मिल गई क्या? नियति मेरा बच्चा। पापा, पापा क्या हुआ नियति को? नियति, पापा मैंने आप सबको बहुत तंग किया है ना? देखिए ना, आपको भी कितना दुखी कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे कोई तंग नहीं किया, आखिर बच्चों को अगर तकलीफ होती है तो माँ बाप को दुख होता है ना? पापा आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, इस वजह से सब लोग कितनी टेंशन में आ गए। वैसे नियति, तुम वापस आई कैसे? अब मेरा मतलब तुम कब आई? क्योंकि मैं तो तुम्हें ढूंढने गया था, मुझे तो मिली नहीं तुम।
अक्षत, मैंने तुम्हें भी डंडे से मारा। उस वक्त मैं होश में नहीं थी। आई एम सॉरी। पापा, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आपको, माँ को, यहां तक अपने हस्बैंड को, सबको अपना दुश्मन समझने लगी। आप सबको मारना भी चाहा। ऐसा मत होने दीजिए पापा, प्लीज। कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, सब कुछ ठीक कर दूंगा। कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। ये काला जादू, ये तंत्र, इन सब से मैं निकालूंगा तुझे, तेरा पापा। इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी ये जिंदा कैसे बच गई? रुक क्यों गए अक्षत? अंदर आ जाओ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया? नियति, डोंट वरी नियति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इंजेक्शन से अंदरूनी घाव तो भर जाएगा दक्ष, लेकिन ये जो चोट बाहर नजर आ रही है, इसका क्या करोगे? तंत्र मंत्र की शक्ति है मेरे। नो अक्षत, तुम दीवार से टकराकर नीचे कैसे गिर गए? आओ, मुझे मारने की कोशिश करो, उस पर अटैक करो। आओ अक्षत। तुम जिंदा कैसे बच गई नियति? और तुम ये अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता? जब तुम्हारे पास काले जादू की ताकत है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो उसी ताकत को खत्म करने के लिए अच्छी और पवित्र शक्ति भी तो हो सकती है। तुम्हें ये सब कैसे मिली? सच सच बताओ, कहां सीखा तुमने? एक बार में एक सवाल, एक सवाल मैं पूछूंगी, फिर एक सवाल तुम पूछना, और फिर बारी बारी जवाब देंगे, ठीक है? अब तुम बताओ, किसकी आत्मा हो तुम?